देश में आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और हरियाणा की 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिन विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें मोकामा और गोपालगंज, अंधेरी ईस्ट, गोला, गोकर्णनाथ, धामनगर, आदमपुर और मुनुगोड़ी शामिल हैं। सभी सीटों पर मतगणना 6 नवंबर को होगी। तो वहीं हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है। आदमपुर सीट पर सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने भी जीत का दावा किया और साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। देखिए, पहले तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे। ऐसा व्यक्ति कभी नेतृत्व उसके कौन स्वीकार करेगा जो क्रिकेट की तरह रन पलटता हो। हमारे कांग्रेस का नेता कहाँ था? वो पहले मुख्यमंत्री के नाम से वोट मांगता था। कांग्रेस की वजह से तो आज एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करे ना, तो नेता नहीं था वो। बट उनका कहना है कि वो पीसीसी बनना चाहते थे, अगर वो अध्यक्ष बनाए जाते पार्टी की ओर से तो हरियाणा में अच्छा चुनावी नतीजा देते हो। ऐसा अर्थ होता जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे देते। दलित समाज 22% वोट है, 22% वोट के एक ऐसे व्यक्ति को कौन चुनाव कमान पार्टी की कमान देगा जिसने राजनीति का ज्ञान ना हो। कांग्रेस पार्टी ने सही फैसला लिया। और मैं कहता हूँ अगर इसमें इतनी हैसियत है तो दलित के घर में वोट मांगने क्यों जाता है फिर? कांग्रेस ने तो दलित समाज के बेटे को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया। और यहाँ बीजेपी में क्या है? बीजेपी में तो अंतिम लाइन में बैठना पड़ता है। लेकिन उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलितों की बात तो करते हैं लेकिन पार्टी के अंदर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा का क्या हश्र हुआ ये सबको पता है। उस बेचारे को ज्ञान ही नहीं है किसी बात का। ऐसे आप लोग भी उसको सीरियस ना लो। उसका मेंटल लेवल और उसका सिस्टम बड़ा हिल चुका है, उसका सीरियस ना लो। जीत का क्या सूत्र है? कांग्रेस पार्टी की छवि जयप्रकाश का पार्लियामेंट्री अपना एक्सपीरियंस और लोग जानते हैं कि जयप्रकाश जो कहता हो करके दिखाता है। मैं विपक्ष में 5 वर्ष तक कलायत विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट एमएलए रहा। कुलदीप तो बीजेपी का साथ देता था और मैं बीजेपी के खिलाफ था। हमने कलायत में कॉलेज बनाए, हमने कलायत में सीवरेज बनवाए, हमने कलायत में पार्क बनवाए, स्टेडियम बनवाए। तो मुझे पता है कि लोगों को मालूम है जयप्रकाश जब विधानसभा में जाएगा ये आदमपुर की जो आज बदहाली है इसको पहले सेशन में खुशहाली में बदल दूंगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार से संवाददाता अमित वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, सुबह से वोटिंग जारी है, किस तरीके की स्थितियां इस समय देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर आदमपुर की जनता में काफी जोश देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से लोग लगातार वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और इसको देखते हुए अभी भी मतदान केंद्रों पर लगातार लंबी लाइनें लगी हुई है और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि शाम तक 6 बजे तक यहाँ पर 80% से ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद है। कहा यह जाता है कि जो भी उपचुनाव होते हैं तो उसमें जनता ज्यादा जागरूक नहीं होती है, इस वजह से जो वोटिंग है वो जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम रहता है। इस बार किस तरीके से मतदाता घरों से निकल रहे हैं? बिल्कुल, अब तक की बात करो आदमपुर उपचुनाव को लेकर जनता लगातार बाहर निकल रही है और अब तक यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई है। प्रशासन ने भी दावा किया कि लगभग जैसे कि शाम होगी 4 बजे के बाद यहाँ पर और ज्यादा मतदाता आएंगे क्योंकि लोग अभी मतदाता यहाँ पर काम करने के खेतों में गए हुए हैं। खेतों में काम करने के बाद यहाँ पर शाम को और ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है जिसको लेकर अभी भी मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई है और शाम तक यहाँ पर वोटिंग 80% से ज्यादा होने की उम्मीद है। और अब तक की बात करो लगभग 1 बजे के आसपास 42% आसपास वोटिंग हुई थी। अभी जिस तरीके से बात की जाए तो आदमपुर ये उपचुनाव जो है वो कुलदीप बिश्नोई की सीट, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तब ये सीट खाली हुई और उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो है वो बीजेपी से मैदान में है और दूसरी ओर कांग्रेस की जो बात करें वहां से भी जो प्रत्याशी है वो मैदान में है। किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है और जो जनता है वो किस ओर जा रही है? क्योंकि आदमपुर जो है उसको कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है मुख्य रूप से। बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो आदमपुर का गढ़ ही कुलदीप बिश्नोई का माना गया है और अब की बार भी जो कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा है बदनाल के नाम पे ही चुनाव लड़ा है जिसको लेकर अभी भी जनता से बात की जाए तो जनता अभी अब की बार साइलेंट वोटर है। देखिए, और लोग आम जनता की राय की बात की तो आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार बीजेपी और ये कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर जिसमें लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लेकिन जो जीत होगी केवल कुलदीप बिश्नोई की होगी क्योंकि अब की बार तो
वोट डालने आया, केवल भजन लाल के नाम पर वोट डालने आया और उसी को लेकर आज आपकी बार लगातार लोगों को जोर से कि आपकी बार पूरी बिश्नोई के वोट देकर यहाँ से विजय बनाने का काम करेंगे। यानी कि ये कहा जाए कि पार्टी कोई मायने नहीं रखती है, यहाँ पर अगर किसी का दाव है तो वो कुलदीप बिश्नोई का है। बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव को लेकर ना ही कुलदीप बिश्नोई के नाम पर आपकी बार वोट दे रहे हैं और ना ही भव्य बिश्नोई के नाम से और ना ही बीजेपी के नाम से, लेकिन जो लोग वोट दे रहे हैं आपकी बार केवल भजन लाल के नाम पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। और उसकी बात कहना कि आपकी बार दो साल जो सरकार के बचे हुए हैं उनके साथ मिलकर आदमपुर की जनता का विकास पहुंच जाते हैं। समीकरण किस तरीके के देखे जा रहे हैं, कांटे की टक्कर मानी जा रही है ये सीट? बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव को लेकर दोनों पक्षों के कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है और दोनों पार्टियों के लिए यहाँ पर 2024 की जीत का रास्ता खुलने को लेकर है। यहाँ पर बीजेपी की आरोपी तो आने वाले समय में और बीजेपी की दिक्कत बढ़ सकती है और यहाँ पर यदि कांग्रेस की आ सकती है तो कांग्रेस को और नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र उदास, दीपेंद्र उदास और प्रदेश अध्यक्ष उदय बांसी यहाँ पर दाव सांस पर लगे हुए, क्योंकि एक महीने से लगातार आदमपुर इलाके के अंदर घूम रहे हैं और आदमपुर इलाके में घूमने के बाद यदि उनको जीत नहीं मिलती तो काफी नुकसान होने की संभावना है। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह चैलेंज दिया था कि भव्य बिश्नोई के सामने हुड्डा जो है वो मैदान में उतरे और जीत कर दिखाएं। इस तरीके का जो चैलेंज है, चुनौती जो है वो हुड्डा को दी गई थी, लेकिन वो मैदान में नहीं उतरे हैं। लेकिन कांग्रेस की जीत के लिए किस तरीके से कांग्रेस जो है, जो भूपेंद्र हुड्डा है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर आदमपुर उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की यहाँ पे दाव पे सांस पर लगी हुई, क्योंकि उन्होंने भी दावा किया कि यहाँ पर आपकी बात कुलदीप बिश्नोई का गढ़ तोड़ने के लिए हम मैदान में उतरे हैं, उसी को गढ़ तोड़ने के लिए यहाँ पर लगातार भूपेंद्र हुड्डा लगातार आदमपुर के अंदर 15 गांव में लगातार पूरे आदमपुर हल्के के अंदर लगातार जनसभा दौर किया और उन्होंने दावा भी किया कि यहाँ पर आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई का कोई भी वजूद नहीं है, जिसको लेकर बदल जो भूपेंद्र हुड्डा है उन्होंने भी दावा किया कि अबकी बार यहाँ पर आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई का गढ़ तोड़ने जा रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई केवल दलित विरोधी है, जिसको लेकर यहाँ पर दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर अपने अपनाने की बात उदयपाल ने की है और भूपेंद्र हुड्डा ने भी बात की, जिसको लेकर यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को नुकसान पहुंचाने की दिक्कत की। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का साफ तौर पर कहना कि मैंने इस्तीफा केवल आदमपुर के विकास करवाने के लिए दिया है और ना कि आदमपुर उपचुनाव करवाने के लिए, जिसको लेकर अब की बार उन्होंने एक बार मौका मांगने की बात कुलदीप बिश्नोई ने की है। लेकिन अगर बात करें अमित, जिस तरीके से जनता जो है वो चुनावी मैदान में जब उतरी है, क्या मुद्दे इस समय जनता के हैं, जन मुद्दों को लेकर जनता है वो इस बार वोट कर रही है और ये सोच रही है कि इस बार सिर्फ भजनलाल के नाम पर वोट दिया जा रहा है या फिर विकास जनता चाहती है आदमपुर में? बिल्कुल, आदमपुर की जनता की बात करो, ग्राम जनता की केवल 3 से 4 मुख्य मुद्दे है। गाँव के अंदर अभी तक जो बरसात पिछले दिनों हुई थी उसको लेकर अभी तक जल भराव की निकासी नहीं हो पाई है। गाँव के अंदर स्टेडियम बने हुए हैं, उसके अंदर अभी खेतों में पानी जमा हुआ है, मुआवजा न मिलना और जो गाँव के अंदर पीने की पानी की मुख्य समस्या बनी हुई है उसी को लेकर अब की बार जनता वोट डालने के लिए मैदान में उतरी है और लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।